हेलो स्टूडेंट्स, एक इलेक्ट्रॉन दिया है, प्रोटॉन दिया है और अल्फा दिया है ना, और कह रहा है कि सेम काइनेटिक एनर्जीज चल रहे हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में और ये उनके रेडियस हो गए। बस अरेंजमेंट करके बताना है ना, तो समझ लेते हैं पहले इसको अलग अलग करके। मैंने यहाँ पे लिखा है बच्चों इलेक्ट्रॉन, फिर आप लोगों को समझना है कि प्रोटॉन दिया हुआ है, ठीक है, और ये हो गया आप लोगों का एक अल्फा पार्टिकल। तो पहले इन लोगों के चार्ज और मास की बात कर लेते हैं अपन लोग फटाफट। ये हो जाएगा चार्ज ई और मास इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा, प्रोटॉन के पास ये हो जाएगा और मास ये ज्यादा होता है काफी इससे, और यहाँ हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ई और मास हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, ध्यान रखिए इस बात का, ठीक है। और रेडियस, जब भी सर्कुलर मोशन होता है तो कैसे पढ़ते हैं इसको अपन लोग, mv डिवाइड बाय qb, है ना, काफी इजी चीजें हैं ये। तो ये मोमेंटम का टर्म है तो आपको लिखना है अंडर रूट 2 mk डिवाइड बाय qb। क्वेश्चन को फिर से अगर अपन ध्यान दें तो कह दिया है इसने सेम काइनेटिक एनर्जी है और मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, तो यहां देखो 2 कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो r किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों? r यहाँ पे डिपेंड कर रहा है रूट के अंदर m पे और नीचे आ रहा है आपके पास चार्ज। तो इन तीनों का लिख लेते हैं। r ऑफ e जो होगा मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए वो कुछ इस तरह का आएगा, रूट के अंदर लिखा रहेगा एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बहुत छोटी वैल्यू है ये और नीचे हो गया e। इसके पास अगर प्रोटॉन की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन और ये हो जाएगा बच्चों इसका एक चार्ज जो कि e होता है, और r अल्फा का कितना होगा ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा रूट के अंदर ये लिखा हुआ है 4 टाइम्स ऑफ मास और नीचे लिखा है बच्चों 2 टाइम्स ऑफ e। इससे 2 बाहर आएगा तो कैंसिल कर लो, साफ देखो ये क्या दिख रहा है, r ऑफ p क्या दिख रहा है, बराबर r ऑफ अल्फा के, और ये चीज तो बहुत ही छोटी है तो यहाँ अपन लिख लेंगे इलेक्ट्रॉन का, और इसको अपन मिला लेते हैं। तो r ऑफ p इज वेरी वेरी लेस देन, r ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन प्रोटॉन और अल्फा, ऑप्शन 1 ही हमारा सही बैठेगा, बाकी तो यहाँ नहीं लग रहे हैं, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। काफी इजी है, ये सब प्रैक्टिकल सी चीजें हैं, हमको याद होती हैं, और इस फॉर्मूले को ये अपन हमेशा थ्योरी के टॉपिक में जरूर लिखते हैं जब भी पढ़ते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसी भी चार्ज पार्टिकल का फील्ड के अंदर, राइट। स्टूडेंट्स काइंडली लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।